नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास Samsung M11 फ़ोन है और आपका फ़ोन अगर हैंग कर रहा है तो किस तरीके से 100% आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास Samsung M11 का फ़ोन है और उसी से मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ YouTube का, तो मेरा फ़ोन कल से कुछ हैंग हो रहा था, लेकिन मैंने उसको आसानी से बिल्कुल सॉल्व कर दिया और मेरा फ़ोन हैंग नहीं हो रहा है, जबकि और भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं। तो आप कैसे अपने फ़ोन में कर सकते हैं अगर आपको भी ऐसी इशू आ रही है? तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अब काफ़ी मेहनत की वजह से आप लोग के लिए वीडियो लाता हूँ। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को लगभग 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000 ऐसे लोग देखते हैं। अगर आप सारे मिलकर अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा चैनल बहुत ही जल्द ग्रो हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आपको कोई भी इशू आ रहा है हमें कमेंट कीजिए। बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो मतलब हमें कमेंट करके डीमोटिवेट और भी करते, बोलते हैं तुम फेक वीडियो बनाते हो, ये बनाते हो, वो बनाते हो, जबकि मैं आपको लाइव बता दूँ आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। और वहीं पर बहुत ही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अच्छे से कमेंट करते हैं, तो उन लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। और दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करके रखना इसी तरीके से। तो चलिए, हम बिना देरी करते हुए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल खोल के बताने वाला हूँ कि आपका फ़ोन क्यों हैंग कर रहा है और आपको कैसे इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले जाएंगे अपनी मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद हमें सबसे पहले आना है अबाउट में। अबाउट में आने के बाद हम सबसे पहले आएंगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस फ़ोन में जो आपको एंड्रॉयड वर्जन मिलता है जबकि 10 मिलता है, और जबकि इस फ़ोन में जो आपको रैम मिलता है वो 3GB का मिलता है। और दोस्तों, 3GB रैम मतलब ऐसा होता है कि वो आपको मतलब काफ़ी अच्छा मतलब फास्ट आपका फ़ोन नहीं चलता है, लेकिन थोड़ा बहुत चलता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको अपना फ़ोन को खुद मतलब सही तरीके से चलाना पड़ता है और फालतू के ऐप नहीं डाउनलोड करने पड़ते हैं, या फिर फ़ोन को ज़्यादा नहीं फुल करके रखना पड़ता है। आप ऐसे नहीं कि आप अपने फ़ोन को कभी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करते हैं तो ऐसे में आपका फ़ोन हैंग करने लग जाता है। और दूसरी बात क्या है कि अपने फ़ोन को आप हमेशा यहाँ से इस पेज को यहाँ से रिफ्रेश करते रहिए, यहाँ पे सारे पेज को रिफ्रेश करते रहिए, आपका फ़ोन कभी भी हैंग नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे कि सेटिंग में आए तो यहाँ पे बिन नंबर को आप हमेशा यहाँ पे ओपन करके रखिए, ठीक है। ओपन करने के बाद क्या होता है, सिंपली से आपको मिलता है डेवलपर ऑप्शन। ये एक ऐसा ऑप्शन है जैसे कि इसको अगर आप अपना फ़ोन में ऑन करके रखेंगे तो आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलेगा। तो आप सबको बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स होगा जिनको मालूम भी होगा ये चीज़ क्या सेटिंग करना है, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इंडो एनिमेशनल स्केल है तो आपको सिंपली से इसे ऑफ करना है, जबकि ये 1:2 में रहेगा, तो आपको इसे सिंपली से ऑफ करना है। तीनों ऑप्शन को आप जब ऑफ करेंगे तो आपका फ़ोन थोड़ा बहुत फास्ट चलेगा। हम आप यहाँ पर बात करते हैं कि अगर फिर भी हमारा फ़ोन जब हैंग करता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने मेमोरी में। मेमोरी में आने के बाद आपको सबसे पहले ये देखना है, जैसे कि यहाँ पर हमारा मेमोरी है 32GB का है, यहाँ पे मैंने 27GB मतलब फुल कर लिया है। तो कौन सी इतना मेरे मतलब डाटा है जो 27GB मैंने फुल कर लिया है? तो आपको क्या करना है, सिंपली सी यहाँ से जो भी मतलब आपका ज़रूरत वाला डाटा नहीं उन सबको डिलीट करना है। जैसे कि यहाँ पे एंड्रॉयड का एक फाइल बना हुआ है, इसको आपको डिलीट करना है, जो भी आपका काम करना है उन सबको आप डिलीट कीजिए, ठीक है। डिलीट कर देंगे तो क्या होगा कि आपका फ़ोन हैंग कम करेगा, इसमें लोड कम करेंगे, ठीक है। उसके बाद सब सारा चीज़ आप कर देंगे, जैसे कि फालतू के कोई भी ऐप रहेगा आपको सबको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली से क्या करना है, अपना फ़ोन को आपको रिबूट करना है, मतलब अपना फ़ोन को आप दिन में एक बार कम से कम रिबूट कीजिए और 100% आपका फ़ोन हैंग नहीं करेगा। हम क्या करते हैं कि हम फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन को हम कभी रिबूट ही नहीं करते, या फिर पेज को हम कभी रिफ्रेश नहीं करते हैं। तो हमेशा आपको पेज को रिफ्रेश करना है और फ़ोन को रिबूट करना है, इससे आपका फ़ोन कभी भी हैंग नहीं होगा। तो आप ऐसे कीजिए और 100% आपका फ़ोन कभी भी हैंग नहीं करेगा। तो छोटी सी वीडियो थी, आपको कैसे लगी आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।